आखिर क्यों मंच पर फूट फूट कर रोने लगे बृजभूषण शरण सिंह? मंच से कह दी ऐसी बात कि अगर आप सुनेंगे तो आप भी हो जाएंगे भावुक। एक बेगुनाह को इतना सताया गया कि नहीं रोक पाया अपने आंसू, मंच पर ही फूट फूट कर रोने लगे बृजभूषण शरण सिंह। कहा, मैं 70 साल का हूँ और नौजवानों से लड़ रहा हूँ। विपक्ष को लेकर कही ऐसी बात कि इंडिया खेमे में मच गया हड़कंप। बाहुबली कहे जाने वाले नेता को सता सता कर इतना परेशान कर दिया गया कि भरी मंच पर रो पड़ी उसकी वेदना। आखिर है तो वो भी इंसान भी। कहते हैं कि सब्र का भी एक सीमा होता है, आदमी जब सीमा को पार कर लेता है तो टूट जाता है। कुछ ऐसा हुआ बृजभूषण शरण सिंह के साथ और वो मंच पर फूट फूट कर रोने लगे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के गोंडा के तरफगंज के निजी विश्वविद्यालय में कैसरगंज के बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें तरफगंज क्षेत्र में पढ़ने वाले सभी विद्यालयों में हाई स्कूल, इंटर और दूसरे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल करने वाले टॉप 20 परीक्षार्थियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान बीजेपी सांसद एक नारी शक्ति के गीत पर भावुक होने और रोने लगे। वहीं पर जब मंच वो साझा कर रहे थे तो अपने उम्र के बारे में चर्चा करते हुए पहलवानों पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कोई कहता है कि मैं 66 साल का हूँ, कोई कहता है मैं 67 साल का हूँ, मैं 65 साल का हूँ। मैंने कहा हाँ, प्रथम निरोगी काया। अब 65 साल के आदमी तो हमेशा बिस्तर पर लेटे रहते हैं, इतनी उम्र होने के बाद भी आपके सामने हाथ जोड़ खड़ा हूँ, तो अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आपकी सेवा कैसे कर सकते हैं। हम किताबों में पढ़ते थे कि कितनी उम्र में फला, इतनी उम्र में फला। अब मैं 70 पर पहुंचने वाला हूं और नौजवानों से लड़ रहा हूं, 7 महीने से कर रहा हूं ये। बीजेपी सांसद ने गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे पहले भी गठबंधन हुए, 2 साल से अधिक कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा, इस बार प्रधानमंत्री का चेहरा कोई तय नहीं हुआ है। 26 दल गठबंधन में है, इस हिसाब से 2 साल के अंदर 8 प्रधानमंत्री के चेहरे होंगे। क्षेत्रीय दलों की अहमियत है लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व करने वाले की बात नहीं की गई। अगर मान लीजिए ममता बनर्जी सक्षम है तो उनके यहाँ पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट तक टिप्पणी कर चुकी है। बृजभूषण शरण सिंह ने आगे कहा कि राहुल गांधी इतने बड़े पार्टी के नेता होने के बाद भी कोई सियासी बयान नहीं देते हैं और मैं राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेता। पहले गठबंधन कांग्रेस के खिलाफ होते थे, अब गठबंधन बीजेपी के खिलाफ हो रहे हैं। राहुल गांधी राष्ट्रीय नेतृत्व की पार्टी होने के बाद भी क्षेत्रीय दलों की गोद में जाकर बैठ गए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बोलते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि वे भारत की पदयात्रा पहले ही कर चुके हैं, पदयात्रा करने के बाद वो क्षेत्रीय दलों के गोद में जाकर बैठ गए हैं। कैसरगंज से सांसद ने कहा कि एक समय होता था जब देश के अंदर कांग्रेस के खिलाफ लोग इकट्ठा होते थे और क्षेत्रीय दलों को इकट्ठा करते थे, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व का परिणाम रहा कि आज राष्ट्रीय दल होते हुए भी राहुल गांधी क्षेत्रीय दलों के गोद में जाकर बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो गठबंधन का नाम हम सुन रहे हैं, इंडिया को जानते हैं, इंडिया मुजाहिदीन को जानते हैं। ऐसे गठबंधन तो पहले भी हो चुके हैं, फर्क इतना है कि पहले कांग्रेस के खिलाफ गठबंधन होते थे, अब बीजेपी के खिलाफ हो रहे हैं। बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह ने कहा कि यह गठबंधन जब भी बने हैं, गठबंधन इसके पहले भी हुए हैं, 2 साल तक सरकार चली है तो प्रधानमंत्री बने हैं मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, फिर 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर, फिर 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी को लोगों ने हटा दिया। हटा तो दिया लेकिन उनको हटाने के बाद कितने दिन सरकार चली, गुजरात और आज तक इस देश के अंदर जब जब प्रयोग हुए हैं वो देश 2 साल से ज्यादा नहीं चल पाए हैं, तो देश को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए। वैसे अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें और बने रहें जेटी न्यूज के साथ।